नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्शन लिंक पर। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में वो कौन सी 3 विधानसभा सीट्स हैं जिसमें उपचुनाव होने जा रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का दीदी इंतजार कर रही थी। जैसे ही चुनाव आयोग का यह घोषणा हुआ कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इन चुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। ममता दीदी के लिए यह एक रात भरी खबर थी जो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हार गई थी। उन्हें इस उपचुनाव में किसी भी हाल में जीत हासिल करनी होगी, तभी वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रह सकती है। चुनाव की घोषणा होते ही इन जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिन जिलों के अंतर्गत ये तीनों विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से दमदार प्रत्याशी की तलाश में जुटी भाजपा। जी हाँ, हालांकि उपचुनाव में जनादेश आमतौर पर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में जाता है। भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ किसी दमदार प्रत्याशी की तलाश में है। बीजेपी ही जल्द ही भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की कि इन 3 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिले थे, हम बात करते हैं भवानीपुर विधानसभा की तो जानते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिले थी। भवानीपुर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 45.5 फीसदी, भाजपा को 43.2 फीसदी, CPM को 6.5 फीसदी और कांग्रेस को 3.5 फीसदी और अन्य के खाते में 1.4 फीसदी वोट पड़े थे। वहीं जंगीपुर विधानसभा की बात करते हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस को 41.2 फीसदी, भाजपा को 34.3 फीसदी, CPM को 5.1 फीसदी और कांग्रेस को 15 फीसदी और अन्य के खाते में 4.4 फीसदी वोट पड़े थे। शमशेरगंज विधानसभा की बात करते हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस को 37.5 फीसदी, भाजपा को 16.7 फीसदी, कांग्रेस को 42 फीसदी और अन्य के खाते में 3.7 फीसदी वोट पड़े थे। आखिर क्यों हो रहे हैं ये उपचुनाव, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भवानीपुर विधानसभा की बात करते हैं। तृणमूल के प्रत्याशी सोमदेव चटर्जी ने हाल ही में संपन्न 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के रुद्रनील घोष के खिलाफ भवानीपुर से भारी अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शादाब खान तीसरे नंबर पर थे और अन्य के खाते में सिर्फ 3 फीसदी मत ही पड़े थे। सोमदेव चटर्जी ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था ताकि दीदी को दोबारा यहां से चुनाव जितवाकर विधानसभा भेजा जा सके। वैसे ही यह सीट दीदी का परंपरागत वाली सीट है। दीदी काफ़ी दिनों से इस विधानसभा से जुड़ी हुई है और काफ़ी विकास कार्य भी किया है। अब जंगीपुर विधानसभा की बात करते हैं। RSP उम्मीदवार प्रदीप कुमार के अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने 16 मई 2021 को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। अब शमशेरगंज विधानसभा की बात करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद रेजोल हक के अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इस विधानसभा को स्थगित करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने 16 मई 2021 को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। अब बात करते हैं कि हमारे सर्वे के अनुसार उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है। भगवानपुर सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यहां से ममता दीदी चुनाव लड़ेगी और उनको हराना किसी भी पार्टी के लिए लोहे के चना चबाने के बराबर है। सर्वे के अनुसार भगवानपुर विधानसभा का मतदाता दीदी को बड़ी बहुमत से चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखना चाहता है। जंगीपुर सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यहां से जाकिर हुसैन चुनाव लड़ेंगे और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। विधानसभा सीट की शमशेरगंज सीट पर लड़ाई काफी कांटे की है। इस सीट पे कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस होने वाला है। यहाँ से रजोलक बिंटू विश्वास के परिवार से अगर कोई आता है फिर हितेशी वोट उन्हें मिलने की उम्मीद है। यहाँ अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तृणमूल को राज्य सरकार में होने का फायदा मिल सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।